आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे YouTube चैनल माई सिलेबस में स्वागत है। आज हम SSC द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन, जो कि दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट से संबंधित है, उसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इस वीडियो में आपको टोटल सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, फुल सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इम्पॉर्टेंट डेट्स, हाउ टू अप्लाई और भी जो भी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जो दिल्ली पुलिस SI से संबंधित है मिलेंगे। हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि हमारा अपलोडेड वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिले और आप इसका लाभ उठा पाएं। तो आइए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट के बारे में समझते हैं। तो एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट है वो है 17 जून 2020, और ये लास्ट डेट है इसका अप्लाई करने का 16 जुलाई 2020। पेमेंट ऑनलाइन जमा करने का 18 जुलाई 2020 है, वहीं ऑफलाइन चालान के द्वारा पेमेंट जमा करने का 22 जुलाई 2020 है। आपका एग्जाम पेपर वन का, यानी CBT पेपर वन का एग्जाम 29 सितंबर से शुरू होगा और ये 5 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं एग्जाम डेट पेपर टू का 1 मार्च 2021 से शुरू होगा। एडमिट कार्ड आपको सितंबर ऑनवर्ड, यानी सितंबर 2020 ऑनवर्ड्स जारी किए जाएंगे। एप्लीकेशन फी को समझें तो पेमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कर सकते हैं। ST SC एक सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फी नहीं है। इसके अलावा जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनको 100 रुपीज फी पे करना होगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आप एग्जाम पास करने के बाद आपकी तैनाती कहाँ पे होगी, पोस्टिंग कहाँ होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर यानी SI अगर आप बनते हैं तो आपकी तैनाती दिल्ली पुलिस में होगी या CAPFS में होगी, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में होगी। अगर आप SI बनते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनते हैं, तो आपकी पोस्टिंग जो है वो CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में होगी। ये देने का मेरा मकसद है कि आपको क्लियर हो जाए कि एग्जाम के बाद पोस्टिंग कहाँ होगी। अब जानते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो एज जो है वो 20 से 25 साल होना चाहिए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन किसी वैलिड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से। दोस्तों, एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग है, जैसे ST SC के लिए 30 साल और जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए ये 35 से 40 साल, यानी एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल। दोस्तों, अब फिजिकल एलिजिबिलिटी जांच चेक करते हैं। तो ये मेल के लिए है, जिसमें 100 मीटर रेस जो है 16 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर रेस जो है 6.5 मिनट्स में, और लॉन्ग जंप जो है 3.65 मीटर्स जो है वो 3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, हाई जंप जो है 1.2 मीटर्स है 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, शॉर्ट पुट्स जो है वो 16 पॉन्ड्स का है वो 4.5 मीटर 3 अटेम्प्ट में, यानी कि करीबन 7.5 किलो का गोल आपको फेंकना है 4.5 मीटर 3 अटेम्प्ट। दोस्तों, अब हम फीमेल के लिए जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है मेडिकल के लिए। तो सबसे पहले कि 100 मीटर रेस जो है वो 18 सेकंड में करने पड़ेंगे, 800 मीटर का रेस जो है वो 4 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा, लॉन्ग जंप जो है 2.7 मीटर 9 फीट करीबन जो है वो 3 अटेम्प्ट इसमें मिलेंगे, हाई जंप जो है वो 0.9 मीटर वो करीबन 3 फीट ये 3 अटेम्प्ट से मिलेंगे। तो ये था मेडिकल एलिजिबिलिटी मेल और फीमेल के लिए। आइए अब हम एग्जाम पैटर्न डिस्कस करें। दोस्तों, पेपर वन जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, पेपर वन रिटन टेस्ट है, उसके बाद आपको मेडिकल देना पड़ेगा PET, फिर आपको पेपर टू देना पड़ेगा, ये भी एक रिटन टेस्ट है, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तब जाके आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। क्वेश्चन जो है इसके क्वेश्चन टाइप की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल च्वाइसेस रहेंगे और एग्जाम मोड हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आइए सब्जेक्ट के बारे में जाने। तो पेपर वन जो रिटन टेस्ट होगा उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जो होगा वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 50 मार्क्स का होगा। पार्ट बी जो होगा वो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस होगा, ये भी 50 मार्क्स का होगा और 50 क्वेश्चंस होंगे इसमें।
और पार्ट सी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ, ये भी आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होगा। और इंग्लिश कंप्रिहेंशन ये भी 50 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन होगा। और जो पेपर वन के लिए टाइम है वो 2 आवर्स यानी 2 घंटे में आपको 200 प्रश्न के आंसर करने होंगे। पेपर टू की बात की जाए तो आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन से प्रश्न आएगा जो 200 मार्क्स का होगा और 200 क्वेश्चन होंगे और 2 आवर्स आपको टाइम मिलेगा। तो ये दोनों पेपर जो होगा वो रिटन टेस्ट होगा, इसको आप समझ लें। आगे हम इसके सिलेबस के बारे में बहुत अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। अब हम मार्किंग सिस्टम को समझते हैं। तो निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो आपके एक सही आंसर पे आपको 1 नंबर मिलेंगे और एक गलत आंसर पे आपके 0.25 नंबर्स आपके कट जाएंगे। यानी आपने अगर एक क्वेश्चन सही बनाया और 4 क्वेश्चन आपने गलत बनाया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, अब हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। SSC, SI और SI के सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। तो पेपर वन की बात करें तो पेपर वन में 4 सब्जेक्ट्स हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कम्प्रिहेंशन। तो ये पेपर आपके पेपर वन में है जिससे 50-50 मार्क्स के क्वेश्चंस इच पार्ट से रहेंगे, यानी कि जैसे हमने आपको पहले बताया। फिर पेपर टू की बात करते हैं तो 200 मार्क्स के प्रश्न रहेंगे, 200 क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश और कंप्रिहेंशन से। फिर अगर सिलेबस की बात की जाए तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम, बडमास, डिसमिल, फ्रैक्शंस, LCM, HCF, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन और टाइम एंड वर्क से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपको बेसिक प्लस एडवांस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम जो है वो ग्रेजुएशन लेवल के हैं, तो आपके कंसेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। फिर टाइम एंड डिस्टेंस से, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से, प्रॉफिट एंड लॉस से, अलजेब्रा से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स से, जियोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री से, स्क्वायर रूट से, एज कैलकुलेशन, फिर कैलेंडर एंड क्लॉक से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, पाइप से भी आपके प्रश्न रहेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसा हमने बताया। और अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको जो है एनालॉजी से रहेगा, अल्फाबेटिक एंड नंबर सीरीज से रहेगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग से रहेगा, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वेन डायग्राम से क्वेश्चंस रहेंगे, जंबलिंग से क्वेश्चन रहेंगे, रिलेशनशिप से क्वेश्चंस रहेंगे, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशियंसी से प्रश्न रहेंगे, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग से आपके रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस से, एनालिटिकल रीजनिंग से, क्लासिफिकेशन से, स्टेटमेंट से एंड आर्गुमेंट से, फिर डायरेक्शन से, एनालिटिकल रीजनिंग से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, अब जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर्स के सिलेबस की बात करें तो ये जनरल अवेयरनेस करेंट अफेयर्स होता है वो अथाह होता है, लेकिन जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, फिर पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इम्पोर्टेंस, और साथ करेंट अफेयर्स होता है वो। दोस्तों, अब इंग्लिश के सिलेबस की बात करते हैं तो पेपर वन में जो इंग्लिश कंप्रीहेंशन है उसमें 2 टॉपिक हैं, यानी कंप्रीहेंशन और राइटिंग एबिलिटी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर पेपर टू का जो इंग्लिश है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब आते हैं पेपर टू के इंग्लिश के बारे में। तो पेपर टू के जो इंग्लिश है वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंसिव है, उसका अगर हम सिलेबस की बात करें तो एरर से प्रश्न आएंगे, वेकुबुलरी से प्रश्न आएंगे, स्पेलिंग से प्रश्न आएंगे, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कम्प्लीशन, फ्रेजेस और कम्प्रीहेंशन से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो एरर चेकिंग है उसमें नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, इससे प्रश्न आते हैं। अब हम समझते हैं हाउ टू अप्लाई, मतलब अप्लाई कैसे करें, जो दिल्ली पुलिस SI के पोस्ट के लिए हम अप्लाई कैसे करें। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssc.nic.in, उस पर आप जाएंगे, वहां पे जो भी डिटेल्स है उसको आप भरेंगे, जिसमें आपको फोटो रिक्वायर्ड होगा, सिग्नेचर रिक्वायर्ड होगा, और फिर आप CAPF के टैब पे जाएंगे, वहां आपको जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको आप भरेंगे, फिर फी होगा, फी को आप पे करेंगे, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा।
जो स्क्रीन पे दिखा वो आप देख रहे हैं उसको आप उस प्रोसेस को आप फॉलो करें, और यही प्रोसेस है फॉर्म फिलअप करने का। एक बात बस आप ध्यान रखेंगे कि जब फॉर्म फिलअप करने के बाद इसको पीडीएफ में आप सेव करेंगे और अपने पास उसको रखेंगे, क्योंकि यही आपके ज्वाइनिंग के समय और आगे भी काम करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।